आज पाठ दशम के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी संचयन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हरिहर काका पाठ का नाम है पढ़ाने जा रहा हूँ। और लेखक पाठ हरिहर काका, लेखक हैं आपका मिथिलेश्वर जी। बच्चों, हरिहर काका के बारे में मिथिलेश्वर जी ने लिखा है कि ये बचपन से ही हरिहर काका को जानते हैं। बचपन में ही लेखक को मिथिलेश्वर को हरिहर काका अपनी गोद में खिलाते थे, उन्हें बच्चों से उंगली पकड़कर चलना सिखाया लेखक को। अतः लेखक का उनके प्रति सहानुभूति था। हरिहर काका को अपने पिता के समान समझते थे, मानते थे। हरिहर काका के बारे में उन्होंने लिखा है कि हरिहर काका एक संपन्न किसान थे, इनके चार भाई थे और ये संपन्न जमींदार थे। इनके पास जो जमीन थी उन पर नज़र दौड़ पर बैठाए थे इनके भाई लोग का लोग था, और दूसरी ओर हमारे समाज के ठकुरबाड़ी के महंत का था। ये अपने अपने फरेब में हरिहर काका को फंसाकर जमीन हड़पना चाहते थे, क्योंकि हरिहर काका के पास कोई संतान नहीं था। जो जन्म लिया वो मर गए, ना तो इनके पास परिवार था ना तो बाल बच्चे थे। इनका परवरिश भोजन पान, ये रहन सहन खान पान इनके भाई के साथ चलता था। परिवार में कुछ व्यवहार में अनबनी हो गई इनके भाभी से, अपने बड़े भाई की पत्नी से, तो इन्होंने अलग हो गया। जब परिवार से भाई के बीच मनमुटाव होते देख फायदा उठाने का कोशिश किया ठकुरबाड़ी के महंत ने। वह चाहता था हरिहर काका से हाथ से अंगूठा लेकर इसे जमीन रजिस्ट्री करवा ले और ठकुरबाड़ी के नाम हड़प ले। इस बीच हरिहर काका को बहुत फजीहत उठानी पड़ी, बड़ी पिटाई लगी, हरिहर काका को बंद कर दिया गया। एक और महंत का निकाह था, तब इनके भाई ने पुलिस को बुलाकर हरिहर काका को मुक्त कराया, तो हरिहर काका के अपने भाई ने ही उसे फिर अंगूठा का निशान लेना शुरू कर दिया। हरिहर काका को तो अपना भाई महंत से भी बुरा लगा। इस विषमताओं का एक कारण इनके 15 बीघे जमीन था, जो जिस पर नजर सारे लोगों का था। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उसमें आँख ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका का हालत का जिक्र उन्होंने लेखक ने किया है कि लेखक उनसे मिलने गए तो उनकी स्थिति को देखकर लेखक दंग रह गए। वह विभिन्न प्रकार के शिकंजे में यातनाओं से त्रस्त थे। वो एक बार इनकी तरफ नजर उठा कर देखे, फिर जो सिर झुकाया तो फिर नहीं उठाया। बच्चों, परिस्थिति को समझिए। हरिहर काका की जिंदगी में से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान करता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। इनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो
काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरियर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरियर काका मुझे करते थे और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरियर काका के साथ ही हुई। हरियर काका ने भी वैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खुल कर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के कारण अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन रहकर जल समाधि लेने के लिए अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरियर काका गिर गए हैं। बच्चों, हरियर काका स्तब्ध थे, बिल्कुल चुप थे, मौन धारण किए हुए थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे, अस्तब्ध थे, खिन्न थे। हरियर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वह मुक्ति पा सके। हरियर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गुंगेपन का शिकार होता। बच्चों, मनुष्य कभी कभी बुरे हालातों में जकड़ जाते हैं, विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो मुक हो जाते हैं, चुपचाप गूंगा हो जाना, मौन धारण कर लेना उनकी बेवसी होती है, उनकी मजबूरी होती है। जैसे कि हरियर काका अपनी विषम परिस्थिति में फंसे होने के कारण मौन धारण कर लिए। हरियर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे या कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं, यह सब बताने से पहले अपने गांव का, खासकर अपने गांव की ठकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अब आइए बच्चों, ठकुरबाड़ी का क्या माने होता है। ठाकुर मतलब विष्णु भगवान, और बाड़ी मतलब जगह होता है, स्थान कहिए जहाँ विष्णु भगवान का स्थान हो, ये धर्म स्थान होता है गांव समाज का। यहाँ पर लोगों के अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, आस्था जुड़े हुए हैं, धर्म से लगाव है, परंतु इसका गलत उपयोग इसके कर्मचारी इसके महंत लोग करते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, धर्म के नाम पर लूटने का काम करते हैं, यही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है। आज हमारे देश के जितने भी ठकुरबाड़ी हैं, जितने भी भारत में ठकुरबाड़ी हैं, सब ठकुरबाड़ी के पास अपना निजी अचल संपत्ति जमीन जायदाद है, परंतु उसका गलत उपयोग हो रहा है। इसमें विषमता है, इसमें दबंगई है, इसमें अनेक विषम कारण हैं जो हमारे समाज में जटिलताओं का कारण बन रहा है, अपराध का कारण बन रहा है। आइए उस ठकुरबाड़ी के बारे में और महंत के बारे में समझे। गांव में इस ठकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई थी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इसका मतलब है कि बहुत प्राचीन काल की ठकुरबाड़ी है, किस
किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे तैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनोती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजयी हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए जेवर अनाज चढ़ाते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनोती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर जी का विकास हजार गुना अधिक हुआ। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी के से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोर की कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी। संपन्न ठाकुर बाड़ी है। यहाँ इसके पास प्रचुर मात्रा में जमीन जायदाद पेड़ पौधे हैं, प्रचुरता है, संपन्नता है। इसकी जो तुलना में कोई सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी है, इसकी तुलना में कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी नहीं। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करते हैं और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करते हैं। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव में जब बाढ़ या सूखे चपेट में आता है ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीपक ठाकुरबाड़ी में ही जलाया जाता है। जन्म शादी जनऊ अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुरबाड़ी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दौनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अगाऊं निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। देखिए बच्चों, ठाकुर जी के प्रति लोगों की कितनी आस्था है, कितनी अंधविश्वास है कि कुछ भी काम करते हैं तो पहले उनको भेंट अर्पित करते हैं, तब आगे अपना कोई काम शुरू करते हैं। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख लोगों को ये हो गया। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसी भी कहीं बात होती है कि आपने पाप किया हो और ठाकुरबाड़ी में जाने से समाप्त हो जाए? पाप तो मनुष्य को अंततः पीछा करता है। लोगों को ऐसी मान्यता है, ऐसा अंधविश्वास है कि ठाकुरबाड़ी में बचे हुए समय ज्ञान व्यतीत करने से हमें पापों से मुक्ति मिल जाए। हरियर काका चार भाई है। परिस्थिति बस इधर हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है।
पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते हैं। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता। लेखक कह रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी की यह दशा है कि काम कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ भगवान का भजन प्रेम में नहीं समय देते हैं, परंतु उन पर जो भोग लगता है वो हलवा पूरी खूब उड़ाते हैं। अब है हरिहर काका चार भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। दो की शादियां हो गई है, उनमें से एक पढ़ लेकर शहर के किसी दफ्तर में कलर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने दो शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। देखो हरिहर काका जमनी संतान हो गए, इनकी पत्नी मर गई, तो इनका भजन पाल रहन सहन खान पान इनके भाई के साथ रहने लगा। ही अपने भाई को ही अपना परिवार समझकर खुशी से रहने लगे, परंतु परिस्थिति मोड़ लेती। हरिहर काका के परिवार के पास कोई 60 बीघे खेत हैं, प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ गए। मैंने पहले ही बताया कि इनके 15-60 बीघा टोटल जमीन है, चार भाई हैं। हरिहर काका के नाम 15 बीघा जमीन, इसी तरह चारों भाई के 15-15 बीघा जमीन था। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुछ चीजें आती, कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। धीरे धीरे इनके बीच खान पान में भेदभाव होने लगा हरिहर काका के साथ, जो हरिहर काका को अच्छा नहीं लगता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल, बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आते। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरत की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी, और फिर एक दिन तो विस्फोट में ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। कहने का अर्थ है बच्चों, जब परिवार में विषमता होती है, लोग अपने सदस्य के साथ भेदभाव करने लगते हैं, तो यह धीरे धीरे संकट का कारण बन जाता है। इससे कलह होता है, परिवार में अलगाव भेदभाव शुरू हो जाता है। एक दिन यह सहन शक्ति हरिहर काका को स्वयं सारा काम अपने करना पड़ता था, इन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। अंततः इनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई, और क्या होता है सो देखिए। उस दिन शहर में कलर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बच के चटनी रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था।
मन ही मन उन्होंने अपनी भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दौनी हो रही थी कि वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। आइए बच्चों, भाई लोग खाकर आते थे, भोजन करके चले जाते थे, दौनी चल रही थी, गेहूँ की दौनी हो रही थी। भाई लोग निश्चिंत थे कि हरियर काका को पहले खिला दिया गया होगा, परंतु यहाँ तो कोई पूछने वाला तक नहीं था। अब आगे क्या परिस्थिति मोड़ लेता है तो देखिए। अंत में हरियर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात मट्ठा और अचार। बस हरियर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की आवाज, तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरियर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत को की पैदावार इसी घर में आती है, इससे इसमें तो मैं दो चार नौकर रख लो, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। हरियर काका मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं और परिवार के लोगों के द्वारा की गई उपेक्षा के प्रति आवाज उठाते हैं और अपना हिस्सा जमीन अलग करने की बात करते हैं, जिससे हरियर काका सुखी से रह सके। धन्यवाद बच्चों। अब अगला सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग दशम के अंतर्गत संचयन पाठ्य पुस्तक में हरिहर काका का बचा हुआ कहानी का प्लॉट मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा था कि हरिहर काका अपने आगे की थालियों को आंगन में फेंकते हुए और भला बुरा कहते हुए चले गए। उन्होंने जाते समय कहा था कि मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तुम सब मौज मस्ती कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। कहते हुए वो बड़े स्पीड में वहां से जो है बाहर निकले। उस समय उनके दालान पर गांव के ठकुरबाड़ी का महंत बैठे हुए थे। हरियर काका जिस वक्त यह सब बातें बोल रहे थे, उस वक्त ठकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। देखिए कहानी में कह रहा है कि जिस समय हरियर काका अपने घर से बोलते हुए निकले, उस समय उनके दरवाजे पर ठकुरबाड़ी के पुजारी जी विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए घी और सकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। देखो पुजारी जी बैठे हुए थे, सारे बात सुन लिए। वो वार्षिक हुमाद और सब सामग्री का खर्च लेने के लिए, चंदा लेने के लिए जाया करते थे। वो महंत जी को सारी बातें विस्तार से बताई। उनके कान खड़े हो गए। कान खड़े हो गए का मतलब सावधान हो गए, सतर्क हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण माने उसी समय, एट दैट टाइम, टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान पर नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए।
गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठकुरबाड़ी पर लेते आए, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया मोह का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम सब बंधन से कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लाओ, भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी बेटे भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन से तुम्हें पूछेंगे नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी को किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे का खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत न उन्हें देकर दूसरे को लिख देंगे, तब तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संयोग बस नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठकुरबाड़ी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत सदैव पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर आएंगे। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठा कर रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा वह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो बच्चों, दूसरों की संग जायदाद जमीन पर लोगों का बहुत नजर रहता है। 15 बीघे हरिहर काका के नाम जमीन है, महंत देख रहा है कि इसका कोई है नहीं। अगर इसका जमीन हम अब ठकुरबाड़ी के नाम से लिखवा लेंगे तो बाद में हम कब्जा कर लेंगे, फिर मेरा जमीन हो जाएगा। इनके भाई लोग सोचते हैं कि 15 बीघा जमीन अगर ये दूसरे को लिख देगा कि तो फिर दिक्कत हम लोगों को हो जाएगी। इसलिए दोनों तीर के हरिहर काका के भाई लोग जमीन के खातिर इन्हें पकड़े हुए थे इन्हें, परंतु इनको समय पर भोजन न देना और बीमार रहने की अवस्था में पानी तक न देना उन लोगों को गैर जिम्मेवारी का बोध अवस्था का बोध कराता है, जिससे हरिहर काका क्रोधित हो गए और अपना थाली वो परोसा गया भोजन की थाली को इन्होंने आंगन में फेंक दिया था। अब बच्चों, महंत जी हरिहर काका को एकांत में कान भरना शुरू किया, तरह तरह के धार्मिक उपदेश देकर
हरिहर काका को जमीन ठकुरवारी के नाम रजिस्ट्री करने के लिए कान भरने लगे और इन्हें खूब पाठ पढ़ाया, खूब इन्हें कान भरा। अब देखिए, हाँ, अब कह रहा है हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है, 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तो क्या हाल होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा, सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुस्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो कोई तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लेगा। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। बच्चों, एक तरफ लोभ एक तरफ मोह, हरिहर काका को इतना फजीहत होने के बावजूद भी अपने परिवार से मोह था, अपने भाई संबंधियों से मोह था इन्हें। परंतु उधर जो बैठे हुए चंदन टिक्का धारी जो महंत जी थे, राम नाम का चादर ओढ़े हुए, वो इनके 15 बीघे जमीन पर नजर टिकाए हुए थे, वो किसी से के तरह ठकुरबाड़ी के नाम महंत जी हरिहर काका से रजिस्ट्री कराना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने भाइयों के साथ धोखाबाजी नहीं करना उचित समझा। अंत तक उन्होंने राजी नहीं हुए। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जनाने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता का पर महंत जी को बहुत खुशी हुई, उन्होंने सही जगह वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करे। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे। हरिहर काका को महंत जी की एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठकुरबाड़ी के चहल पहल ठकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। देखो बच्चों, मानव का उद्देश्य होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। महंत जी इनके साथ हरिहर काका के साथ सहानुभूति दिखा रहे थे और इनकी निगाह हरिहर काका की 15 बीघे जमीन को हड़पने पर थी, क्योंकि हरिहर काका का धंधा ये है, क्योंकि महंत जी का तो ये धंधा था राम नाम जपना और लोगों को ठगना। तो अब हरिहर काका के भोजन और बिछावन की एक नंबर व्यवस्था किया गया। अब देखिए, इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपने पत्नियों पर वे खूब बरसे फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालु और बेचैन हो गया था।
दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरियर काका के तीनों भाई ठकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरियर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरियर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरियर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश ही वहाँ से लौटना पड़ा। देखो बच्चों, भाइयों के बीच प्रतिक्रिया नहीं थे, प्रतिक्रिया थी भाई की पत्नियों के बीच। हरिहर काका चारों भाई एक माँ की आंचल में पले थे, परंतु चारों की पत्नियां चार माँ के आंचल में पली थी। तो यहाँ डिफरेंस तो होगा ही, यहाँ तो उथल पथल होगा ही। तो कहने का तात्पर्य, हरिहर काका का जो 15 बीघा जमीन था उसको हड़पने के लिए महंत जी ने पूरे टीम को अपने पक्ष में कर लिया। सब हरियर काका के भाई को कहा कि अरे बीमारी से उठा है, ठाकुर जी के दरबार में एक रात रहेगा तो शांति मिलेगी, कीर्तन से रहेगा, अब आ गया है तो रहने दूंगा, खाएगा पिएगा, भजन कीर्तन सुनेगा, मन शांति मिलेगी, कल से रहेगा, यहाँ रात भर में क्या हो जाएगा। भाई सब वापस आ गए, यहाँ तो इरादा कुछ और है। अब आगे देखो, रात में हरियर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। देखो बच्चों, ये पकवान जो है ना, यही पकवान इंसान को जो है सो फंसा देता है। पकवान में ही जो है सो तरह तरह के व्यंजन मिलाए जाते हैं। ऐसा व्यंजन हरियर काका को तो मिला करके खिलाएगा। हरियर काका जिंदगी में वैसा मिठाई, वैसा घी, मक्खन, मलाई, मिश्री नहीं खाए थे। ठाकुरबाड़ी के दरबार में तो तरह तरह के भोग लगते हैं। हरियर काका को मन का खुशी का ठिकाना नहीं था। किसी को रात को जो है सो सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है तो उसका मन गदगद हो जाता है। तो हरियर काका का मन गदगद हो गया। भोजन के लिए तो वहाँ थाली पटका था उन्होंने। अब आगे चलिए, इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे के इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति। बताओ बच्चों, 15 बीघे जमीन का उस समय कीमत 2 लाख रुपया से अधिक माने कितना, लेटेस्ट 3 लाख रुपया। 1 लाख में जो है तो 5 बीघा जमीन उस समय में खरीदा था। आज बच्चों 1 लाख में जो है तो 1 रूढ़ भी मिलता है। तो 15 बीघा के जमीन पर तीनों भाई का जो नजर था, रात भर नींद नहीं आया। उसके मन मन में तरह तरह के बात उभरने लगे कि शायद हमर 15 बीघा जमीन इसका जो है तो हड़पना ले महंत जी, कुछ लिखवाना ले, कुछ हैंड नोट न बनवा ले। तरह तरह के जालिम से लोग से सब डरते हैं। हाँ, सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठकुरबाड़ी पहुंचे। सुबह भोरे उठे तीनों भाई ठकुरबाड़ी पहुंचे। हरियर काका के पांव पकड़ने गए, पकड़ रोने लगे। हरियर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगे तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरियर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। देखो बच्चों, जब कोई आदमी को तुम्हें अगर गिरेवान पकड़ना हो, कालट पकड़ना हो, तो तुम उसका पांव पकड़ना सीखो। अर्थात हीरो बनना है तो जीरो पर पहुंचना सीखो। जीरो से जो हीरो बनोगे तो तुम्हारी शोहरत प्रसिद्धि बहुत ऊंची रहेगी। सोच ऊंचा करो, अनेक
तीनों भाई आए, रात भर नींद उड़ा हुआ था, 15 बीघे ने तीनों की नींद उड़ा दी थी। सब अपनी अपनी पत्नी पर जो है सो दिया जो है सो सरकार टाइट किया, ये उस पर शासन किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने का जो है सो रुतबा दिखाया और भाई को मनाने गया, पांव पकड़ा कहा कि भाई हो तुम, बिहार रहोगे, मेरी बात क्या होगी, तुम भाई हो, चलो चलो मेरे साथ, मना बहला करके फुसला के ले गया हरिहर काका को भाई लोग। अब भाई लोग इनके साथ वही काम करता है जो महन करना चाह रहा था, क्यों, वो 15 बीघे जमीन का लालच उससे को करवा रहा था यह सब। अब आगे देखो, रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते, मालपुए, रसगुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, पनीर, खोआ, पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मग्न मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। देखो बच्चों, हरिहर काका का जो भोजन लगा वो अपने आप में बेमिसाल है, जितना का नाम मैंने बताया उतना कृष्ण के दरबार में भोज व्यंजन में भोग लगता था, वैसे हरिहर काका के भोग लगा। क्यों, वो उस हरिहर काका के लिए नहीं लगा, वो 15 बीघा जमीन प्राप्ति करने के लालच में बंसी में बोर डाल करके जो है सो रखा गया, उसमें हरिहर काका को बोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, मछली तो कोई और है। अब समझो, इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके, भावी आशंका उनके मन को बत्ती रही 15 बीघे के। मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी, जितनी मुंह उतनी बात, ऐसा जबरदस्त मसल पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी होने लगी, लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे, कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू-तू मैं-मैं होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी के सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेंगे। इसी वर्ग के लोग, धार्मिक संस्कार के लोग साथ में किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबाड़ी का भोग लग जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर लोग प्रसाद पाने के लिए यहां टूट पड़ते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं, दूसरे वर्ग के गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिसके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द फल रहे हैं। गांव का वातावरण प्रभावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। देखो बच्चों, सब हरिहर काका का जो घर पर ले गया भाई लोग,
गांव के लोग, महंत के लोग अब यह सब आपस में विचारते थे, जो लोग जहां पांच को बैठते थे वहां हरिहरे काका का खाली चर्चा होता था। क्यों? क्योंकि यहां पर महंत और पुजारी तथा और गांव के लोग सब जुड़ गए थे, दो पार्ट में बट गया था, एक महंत का ठकुरबाड़ी का संरक्षक और सिपाही और दूसरा जो है इसके विरोधी जो हरिहर काका का समर्थक। तो ये दो पार्ट थे और जहाँ बैठती चर्चा वैसे ही उनकी ही चर्चा होती थी। अब आइए, लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना कहकर महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो उन्हें सुख सुविधाएं मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ वे उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है। इस मुद्दे पर वे और जागरूक हो गए। अब बच्चों, पहले तो हरिहर काका निश्चिंत थे, मोह माया के बंधन में बंधन थे, जो तेरे भाई के साथ है उसी का है, मेरा कुछ सब अपना है। लेकिन उनके पत्नियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ ना, जो इनके और के लिए पांच व्यंजन पकाया गया, खूब तरुआ छाना गया, पापड़ तरुणी तिलौनी सब परोसा गया, इनको हरिहर काका को बसिया भात के साथ कर ही दिया, इतना तो अचार था उसको लो, ऐसे कहीं भोजन दिया जाता है। अब वो देख लिए थे सब पकते हुए, मेहमानबाजी होते हुए देख लिए थे, ये सुगंध आ रही थी तरुआ छुनाने का, आ इनको नहीं दिया खाने के लिए, तो कोई भी आदमी बच्चों बमक जाएगा, तुम ही को अगर ऐसे करेगा तुम भी जो है सो इस प्रकार से नहीं बर्दाश्त आप कर सकते हो। भोजन में व्यवहार में ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, समानता रखना चाहिए। क्या जरूरी था हरिहर काका को पांच तो तरुआ खिला ही देते, दो पापड़ खिला ही देते तो क्या कम जाता, वो थाली तो उठा के नहीं पटकते हरिहर काका। तो भोजन में व्यवहार में अभद्र नहीं करना चाहिए, विषमता नहीं बरतनी चाहिए, सबके साथ समता करनी चाहिए। तो अब हरिहर काका और जागरूक हो गए कि हमारा 15 बीघा है, तब ये भाई सब इज्जत करता है, या महंत जी हमसे रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है, अगर हम रजिस्ट्री कर जाएंगे कर देंगे तो दूध का मक्खी हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, न महंत पूछेगा न हमारा भाई पूछेगा। इस परिस्थिति के लिए उन्होंने रजिस्ट्री करना पहला शपथ लिया कि किसी कीमत पर रजिस्ट्री नहीं करेंगे। अब आगे कितना टाइम चलो, 25 मिनट। तब बच्चों अब आगे है कि हरिहर काका जागरूक हो गए, तुम भी हमेशा जागरूक हो जाओ। तुम यदि जागरूक हो जाओ कि हमको किसी भी कीमत पर मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन पास करना है तो तुम एनी हाउ पास कर जाओगे। तुम अगर सोच लोगे कि हमको IAS बनना है, CM बनना है, DM बनना है, सोच लोगे तो बन जाओगे, उसके लिए करना होगा, बशर्ते तुम्हें हृदय में जज्बात हो और भूख होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अब पढ़ कर आओ।